लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे चित्रकार दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक महीने की छानबीन के बाद जजों की कमेटी ने पहले और दूसरे इनाम के लिए को चुना है। एक है मिस्टर राम की तस्वीर और दूसरी मिस्टर लक्ष्मी नारायण की। इन दोनों तस्वीरों में से कमेटी ने मिस्टर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को बेहतरीन करार दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर राम ने एक नहायत खूबसूरत तस्वीर बनाई है, लेकिन इनकी तस्वीर में आंखों के लिए कशिश है, आत्मा के लिए नहीं। मिस्टर लक्ष्मी नारायण, मोहन, मोहन, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा होनहार नौजवान शराब का गुलाम हो गया है। समझ में नहीं आता क्या दुख है तुम्हें, क्यों इतनी शराब पीते हो? तुम्हारे पिताजी ने इतनी जायदाद, इतनी दौलत छोड़ी है तुम्हारे लिए, और फिर जिस लड़की से तुम्हें मोहब्बत है उससे तुम्हारी शादी भी हो गई। काम, उस जलील औरत का जिक्र मत करो, वो मेरे लिए मर चुकी है, एक जमाने से मर चुकी है। क्या कहते हो मोहन, पद्मा तो इतनी पढ़ी लिखी, सियानी, खूबसूरत। खूबसूरत बस उसकी खूबसूरती नहीं तो मेरी जान ले ली, मुझे जीते जी मार डाला। अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मैंने उससे शादी की, उसकी खूबसूरती का गुलाम बनकर उसके कदमों में पड़ा था, लेकिन वो मेरी जबान में खुलवाओ राम। क्या हुआ पद्मा को, क्या हुआ? वो फटक गई राम, वो फटक गई। मोहन, इसीलिए तो खुद को बुलाने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। मैं बुजदिल हूं राम, मैं बुजदिल हूं, वरना कभी का मर न गया होता। आई एम सॉरी मोहन, आई एम रियली वेरी सॉरी। राम, याद है जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे तो कहा करते थे कि इस दुनिया में हमेशा खूबसूरती की पूजा करेंगे, लेकिन वो सब नौजवानी का पागलपन था दोस्त, नौजवानी का पागलपन था। मोहब्बत और खूबसूरती कुछ और होती है, शादी और बीवी कुछ और। राम, एक लड़की की खूबसूरती सिर्फ आंखों को ठंडक दे सकती है, दिल को चैन नहीं। जिंदगी बसर करने के लिए उस लड़की की जरूरत होती है जिसका चरित्र हो, चाहे वो खूबसूरत ना हो, पढ़ी लिखी ना हो, जो कदम कदम पर सहारा दे सके, तो दर्द की साथी बन सके। जिंदगी ने यही सबक सिखाया है, लेकिन किस कीमत पर, कीमत पर राम। अच्छा भाभी, बहुत देर हो गई, अब मैं होटल जाता हूं। बेटा, तुम्हारा होटल में पड़ा रहना हमें अच्छा नहीं लगता। क्या ये तुम्हारा घर नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते? जी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। जब तुम्हारा दिल साफ है तो दुनिया की क्यों परवाह करते हो? मुझे ना अपनी परवाह है ना दुनिया की, मुझे तो सिर्फ ये गम है कि खामखा मेरी भाभी के पवित्र नाम पर कलंक लगाकर इन्हें घर से निकाल दिया, और वो भी उस वक्त जब भैया घर पर नहीं थे। क्या ऐसा कठोर बाप भी किसी का हो सकता है? अच्छा भाभी, मुझे आज्ञा दो। जी तेरा। दीदी, कब तक ये मुसीबतों के पहाड़ तुम पर टूटते रहेंगे? कौन जाने चंदा, तेरे जीजा जी का दिल तो इतना अच्छा है कि उसकी कसम खाई जा सकती है, लेकिन मुझे उनके गुस्से से डर लगता है। जब वो दिल्ली से लौटेंगे तो न जाने क्या तमाशा होगा, बस यही सोचकर डर लगता है, बहुत डर लगता है। गंगा काका, कहाँ है रजनी? क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ रजनी को, कहाँ है वो?
आराम बेटा, मैं बताता हूँ। जल्दी बताओ मामा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहाँ वो, क्या हुआ उसे? वो राम बेटा, अगर वो मर गई होती तो अच्छा था। क्यों, क्या हुआ था मामा? बात यह है कि रजनी और बल्ली दोनों ने मिलकर खानदान की इज्जत की लुटिया डबो दी। मामा, क्या कहा? मैंने सच कहा, सच कहा। किसने कहा? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। बोलो किसने कहा, किसने देखा? ए, मैंने देखा। क्या कहा? आपने देखा है? बोलिए, आपने देखा है? चिल्लाते क्यों हो? चिल्लाने से खानदान की गई हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। पिताजी, मैं आपसे साफ साफ जानना चाहता हूँ, क्या किसी ने आपके कान भरे हैं या आप खुद इस बदनामी के गवाह हैं? अपने हाथों मेरी जान ले लीजिए, मुझे जीते जी मार डालिए। लेकिन मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरी बीवी बदचलन थी, इसलिए मैंने खुदकुशी की। कहिए कहिए, मेरी गैर हाजिरी में ये क्या तूफान आया है? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने अपनी आंखों से तेरी बीवी को बल्ली के कमरे में आधी रात को देखा। जब मैंने उसे वजह पूछी तो उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। ठीक गंगा काका, इस वक्त कहां है रजनी? जिंदा है या मर गई? अपने भाई के घर में है छोटे सरकार। इसी वक्त जाओ काका, उसे फौरन यहां ले आओ। जाओ। इसमें सहायता करेगा। आओ बहुरानी। रजनी, हाँ मुझे तुम्हारी पवित्रता पर पूरा विश्वास है, सच्चे दिल से विश्वास है। मैं जानती थी मेरी देवता मुझे कभी गलत नहीं समझेंगे। मेरी अकल पर पर्दा नहीं पड़ा जो किसी के कहने सुनने पर तुम पर शक करूं तो मैं घर से निकाल दूं। तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी है रजनी, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं खो सकता। भैया भैया, सच मानो तुम्हारे चले जाने के बाद? चुप रहो बल्ली, तुम पर लगाया गया इल्जाम इतना गंदा है कि मैं उसकी सफाई भी सुनना नहीं चाहता। क्या मैं अपने भाई अपने खून को नहीं जानता? मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये आग इस घर में किसने लगाई है, किसने लगाई है ये आग? कौन हो सकता है? तुम्हारी नीच बीवी के सिवाय और कौन हो सकता है? मैंने इसे घर से निकाला है, फिर तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम इसे वापस ले आए? मैं इसे लाया हूँ इसका इंसाफ दिलाने। देखिए इसके चेहरे की तरफ देखिए, क्या ये आपको गुनाह की मूरत नजर आती है? पिताजी, इतने दिनों तक आपके चरणों में रही, आपकी सेवा करती रही, फिर आपके पास इस पर इल्जाम लगाने के लिए दिल कहाँ से आया? आपके पास इतने हीरे हैं, इतने मोती हैं, उनकी कीमत आप लगा सकते हैं, लेकिन एक मासूम लड़की की पवित्रता की कीमत आप नहीं लगा सकते। राम, तुम मूर्ख हो, ना समझ हो, अपने बाप की मानो। तुम नहीं जानते तुम्हारी बीवी क्या है। मैं अपनी बीवी को जानता हूँ, आप अपनी बहू को नहीं जानते। मैं अपने भाई को जानता हूँ, आप अपने बेटे को नहीं जानते। क्या कहा? मैं अपने बेटे को नहीं जानता? हाँ, आप नहीं जानते। आपने हमें जन्म दिया है, इसके सिवा आपका हमसे क्या नाता? क्या आपने कभी पिता का वो प्यार दिया है जिसके लिए संतान तरसती है? क्या आपने कभी हमें बेटा कहकर पुकारा? जब बल्ली का बाजू टूट गया था, आपने छान कर भी इसके कमरे की तरफ नहीं देखा। क्या आपने ये जानने की परवाह की हम कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिंदा है या मुर्दा? इस घर में हमें किसी ने बाप बेटे के रिश्ते से रहते हुए नहीं देखा। इस घर में दौलत के भंडार हैं लेकिन मिलाप नहीं, झूठी मान मर्यादा है लेकिन प्यार नहीं। अगर आपने इन बातों पर पहले से गौर किया होता
तो क्या यहाँ ऐसी भयानक बात की चर्चा होती जो किसी गंदे दिमाग की गंदी पैदावार है? ये कहानी या मनगढ़ंत बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। शर्म की बात है, आपको तो ऐसी बात करने वाले को घर से निकाल देना चाहिए, मगर आप खुद अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे हैं। पिताजी, आप चाहें तो रजनी को जीते जी चिता में झोंक दीजिए, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी पर ऐसी तहमत, ऐसा इल्जाम लगाया जाए। राम, पागल हो गए हो तुम? मैं पागल भी हो जाऊं तो भी रजनी पर शक नहीं करूंगा। मेरे मुंह लगता है, मेरे मुंह लगता है, निकल जाओ यहां से, तुम सब निकल जाओ मेरे घर से। आप समझते हैं ये सब होने के बाद भी हम यहां रहेंगे? उस घर में क्या रहना जहां ससुर अपनी बहू की इज्जत का रखवाला बनने की बजाय उस पर कीचड़ उछाले। चलो। नहीं नहीं राम, सब्र से काम लो, अपने पिता को अकेले छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? सोचो बेटा। हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं गंगा काका, सोचे वो जो बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पर चल पड़ते हैं, सोचे जी भर के, सोचे उम्र भर सोचे और उसी सोच में घुलते रहे। चलो रजनी, चलो बल्ले। सुना राम क्या कह रहा था? मुझे अपने बेटों से कोई प्यार नहीं, लेकिन तू तो जानती है कि मेरे दिल में उनके लिए कितना प्यार, कितनी मोहब्बत छुपी हुई है। मगर मैं क्या करूं पार्वती, मुझे दिखावा नहीं आता, पार्वती मुझे दिखावा नहीं आता। कह रहा था मुझे सोचना चाहिए, सोच सोच कर घुलना चाहिए। क्या पार्वती दोष मेरा है? दोष मेरा है पार्वती? तो क्या उस दिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो झूठ है? राम से मैंने जो कुछ कहा वो गलत है? दोष किसका है पार्वती, तू ये बता, दोष किसका है? क्या रजनी पवित्र है? नाना जी, पवित्र है रजनी? नहीं नहीं, बोल पार्वती, तू ये बता, मुझे कुछ नहीं सूझता। बोल पार्वती, क्या रजनी पवित्र है? नहीं पार्वती, नहीं। नाना जी, बोल पार्वती, सच क्या है मुझे नहीं मालूम। पार्वती नहीं, नहीं पार्वती नहीं। लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी। मालिक कैसे हैं डॉक्टर साहब? तुम तो देख ही रहे हो गंगा, कल रात से कितनी दवाएं बदल चुका हूं, लेकिन हालत गिरती ही जा रही है। देखो इस शीशे में नई गोलियां हैं, बड़ी हिफाजत से इस्तेमाल करना है, हर दो घंटे बाद सिर्फ एक गोली देना है। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, अगर दो दे दूं तो क्या होगा? तो चक्कर आएगा। और अगर चार दे दूं तो? ओ माई गॉड, तब तो जान का भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, फिर तुम अपने हाथ से सोच समझ के दूंगा। गंगा जी, आओ मेरे साथ। गंगा, ऐसे वक्त में राम और बल्ली का उनके पास होना जरूरी है। मैं अभी जाता हूँ, जैसे भी होगा उन्हें मना कर लिया। जरूर जाओ, जरूर जाओ। राम और बल्ली के आने से पहले मुझे इस कागज पर दस्तखत ले लेने चाहिए। जीजा जी, ए जीजा जी, जीजा जी, तुम क्या चाहिए? जीजा जी, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, आपके हुक्म के मुताबिक मैं छोटी दुकान और बड़े मकान का वकील से इकरारनामा लिखवा लाया हूँ। है जी, जीजा जी आप दस्तखत कर दीजिए। जीजा जी, ऐसी हालत में मेरे दस्तखत लेना चाहते हो? चले जाओ यहां से। देखो
इस शीशे में नई गोलियां हैं, हर दो घंटे बाद सिर्फ एक गोली देना है। और अगर दो दे दूं तो चक्कर आएगा। एक, दो। तो ये बात है? हाँ बहू, मालिक की तबीयत इतनी खराब पहले कभी नहीं हुई थी। छोटे मालिक राम और बल्ली कहाँ हैं? वो सेठ देवेंद्र प्रताप के यहाँ नौकरी की तलाश में गए हैं। अच्छा भूरानी, तुम मोटर में जाओ, मैं छोटे मालिकों को लेकर आता हूँ। गाड़ी खड़ी है, तुम फौरन चली जाओ। भाभी, भैया आए तो उन्हें शांति से समझा देना। अच्छा अच्छा, तुम जाओ। ए जीजा जी, गंगा जीजा जी, एक गंगा डॉक्टर को बुलाने गया है। आप इतनी देर में, जरा यहां तक कर दीजिए। बहुत थक गया हूं, तकलीफ ना दो मुझे, बाद में ले लेना। जीजा जी, छोटा सा तो दस्तखत है। हाँ, अच्छा, जो होगा होने दो। हाँ जीजा जी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। उठ करिए, उठ कर बैठिए, आराम से। अब ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा जीजा जी। ये लीजिए, ये लीजिए, अब यहाँ दस्तखत कर दीजिए। जो कुछ लिखा है ठीक लिखा है? अच्छा जीजा जी, बिल्कुल मुनासिब लिखा है। पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। अब कौन है? मैं। कमबख्त तू, अब किस मुंह से आई है? अच्छी तरह देख लो, जो मुंह लेकर गई थी उसी से आई। ए मुंह फट कहे के, वापस कर दिए कागज। हरगिज नहीं, तुम चोर हो, वरना ऐसी हालत में पिताजी से दस्तखत क्यों करवाते? खुद चोर है इसलिए सारी दुनिया को चोर समझती है। मैंने इसमें लिखा है क्या है? जीजा जी ने अपनी खुशी से एक दुकान और बगल वाला मकान मुझे दिया है, बस यही तो लिखा है। कोई सारी जायदाद थोड़ी लिखवा ली है मैंने। इकरारनामा तेरे हाथ में, पढ़ ले, पढ़ ले। एक कागज तो ऐसे देख रही है जैसे सब कुछ पढ़ ही लेगी। बड़े आई एम में तारीख 15 महीना सितंबर 1962। मैं राय बहादुर शंकर लाल, जिसके पिता का नाम हरि प्रसाद, जिम्मेदार रतनपुर है, अपने पूरे होशो हवास और रजामंदी के साथ ये वसीयतनामा अपने स्वर्गवासी धर्मपत्नी पार्वती के भाई दीनदयाल उर्फ राजा के नाम लिखता हूँ, क्योंकि मेरे अपने दोनों लड़के राम और बलराज कभी मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चले और जिंदगी में कभी मेरे किसी काम नहीं आए। इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद, काश्तकारी की जमीन, इंश्योरेंस कंपनियों के हिस्से, बैंक बैलेंस और अपनी रिहायशी हवेली पार्वती निवास दीनदयाल उर्फ राजा के नाम करता हूँ, ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। जी जरा मेरी बंदूक ला। राजा क्यों रही है? राजा, ये राजा का बच्चा भागने ना पाए, मार डालूंगा, मार डालूंगा उसे। बहू, राजा तो कहता था कि तू अनपढ़ है, ये झूठ भी उसी ने खड़ा था। नहीं पिताजी, उन्होंने जब मुझे इकरारनामा पढ़ने को दिया तो उन्हें पूरा यकीन था कि मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि पहले मैं सचमुच अनपढ़ थी, लेकिन विद्या के बगैर मनुष्य मनुष्य नहीं होता। यही जानकर मैंने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की और पढ़ना शुरू किया। बल्ली भैया ने तो मुझे पढ़ाया है। क्या तू बल्ली से पढ़ती रही है? हाँ पिताजी, दिन भर तो कामकाज में लगी रहती थी, पढ़ने के लिए रात को ही समय मिलता था। और फिर मैंने सोचा इस उम्र में पढ़ता देखकर लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसीलिए रात को छुप छुपा कर पढ़ती रही। ए बेटा बल्ली, उस दिन तूने मुझे ये बात क्यों ना बताई? पिताजी, जहाँ जबान खोलने की कोशिश की आपने चुप करा दिया, बात करने का आपने मौका ही कहाँ दिया। हाँ हाँ, सच ही तो कहता है, इतनी उम्र क्या मैंने भाग जोगी, इतनी दुनिया देखकर दो दो जवान बेटों का बाप होकर भी मुझे अकल ना आई। इस उम्र में मैं इतना नीच हो गया कि अपने देवी जैसी बहू पर कलंक लगाया। रजनी, राम, बल्ली, बच्चों, बच्चों तुम सब मुझे क्षमा कर देना। पिताजी,
मैं मानता हूं। जब तूने शुरू में इस घर में कदम रखा था तो मुझे तुझसे नफरत थी, लेकिन तूने अपने शीतल स्वभाव से उस नफरत को प्यार में बदल दिया और उसका फल तुझे यह मिला कि तोहमत लगाकर मैंने तुझे घर से निकाल दिया। बेटी मैं तेरा गुनहगार हूं, बोल बोल बेटी तूने मुझे माफ कर दिया? पिताजी माफी तो हमें मांगनी चाहिए जो आपको बीमारी की हालत में छोड़कर चले गए। क्या ये इल्जाम भी तू अपने ऊपर ले रही है? कितनी महान है तू, कितनी महान है तू। और एक मैं हूं जिसे तेरी लाज का रखवाला बनना चाहिए था, लेकिन मैंने उस पर कीचड़ उछा। रजनी सिर्फ तुम्हारे अनपढ़ होने के कारण मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, मुझे माफ करो। ऐसा न कहिए, अगर उस दिन आप मुझ पर ना बिगड़ते तो मैं इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी ना पढ़ पाती। मुझे आज पता चला कि मेरा बेटा कितना महान है। भगवान राम ने भी लोगों के बहकाने पर सीता माता को अग्नि परीक्षा पर मजबूर किया, लेकिन तूने तूने रजनी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुना गवारा ना किया। मालिक राजा बाबू भाग गए, अपनी बीवी और लड़के को भी साथ ले गए। भाग गया? फौरन पुलिस में खबर करो, बचकर ना जाने पाए। रहने दीजिए पिताजी, मामा अपने किए पर पछता रहे हैं, तभी तो चले गए, अब उन्हें जाने दीजिए। जाने दीजिए? पूरे 100 रुपए लेने मुझे उससे? कोई बात नहीं, यमराज के साथ वसूल कर लूंगा। ये कौन है? ये हमारे भाभी के भैया हैं। आपने इन्हें पहले नहीं देखा है? नहीं नहीं, आपने नहीं देखा, आपके सरदारजी ने देखा है। अच्छा तो ये वो है प्रोप्राइटर इंटरनेशनल स्टोर्स? नहीं नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, वो है क्या है जो दी ग्रेट इंटरनेशनल स्टोर। आपका नाम क्या है? मेरा टीबी, यानी के टी भगवान। ये मेरी धर्म 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 ये मेरी धर्म पत्नी भागवंती, बड़ी भगवान है बिचारी, वो आ गई वो सॉरी। और ये मेरी छोटी। खास बात ये है कि हमारा सारा घर बुद्धू अनपढ़ से भरा हुआ है, सिर्फ एक लड़की शानी है बस, बीए कॉलेज बीए, नाम है चंदा। कॉलेज लड़के कहते हैं मून मून। रजनी तूने कभी नहीं बताया कि ऐसे भी तेरी कोई छोटी बहन है? मालिक बल्ली और चंदा एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। बहू हम इसे तुम्हारे देवर के लिए मान ले। पिताजी जैसी आपकी खुशी। ए, तुम्हारा क्या विचार है? हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, ऐसे सुंदर लड़की के लिए क्यों इनकार करेगा? क्यों बेटी निभा लेगी शरीर? पार्वती देख देख तेरे घर में दो दो भगवानियां आ गई, सरस्वती और लक्ष्मी, सोना आंगन आबाद हो गया, घर में उजाला ही उजाला हो गया। आशीर्वाद दे पार्वती, आशीर्वाद दे बच्चों को, खे फूले फले सब सदा सुखी रहे, सब सदा सुखी रहे, सब सदा सुखी रहे।